की आग ने बना दिया मुसाफिर। राजस्थान से चलते चलते पहुंच गए उत्तर प्रदेश। दरअसल 10 वर्षीय बालक राजस्थान से पेट की आग के खातिर भटकते भटकते उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गए, जहां हमारी टीम ने बालक से बातचीत की। दरअसल कोरोना के बाद विद्यालय बंद हो चुके हैं, काम धाम छूट चुका है, जिसके बाद भटकते भटकते वहाब अपने हाथ की कला से अपने पेट की आग बुझा रहे हैं, जहां वह जगह जगह हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को कर्तव्य दिखाते हैं और उनसे जो 100-200 रुपए मिलते हैं उससे अपना भरण पोषण का खर्चा चलाते हैं। कोई नूर। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। अच्छा, पढ़ते नहीं हो आप? स्कूल ही बंद हो रही है। स्कूल बंद? कब से बंद है? बहुत दिन हो गए लॉकडाउन से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी। तो फिर इतनी दूर तो क्या करने के लिए आए? खेल करने आए। कितना कमा लेते हैं? मान लेते 100-150-200। अकेले हैं तो और भी आप? पूरा परिवार है। परिवार तो और सब काम करते हैं कि तुम ही काम करते हो? खेल करते हैं पूरे सभी लोग। अब पढ़ाई का कोई इरादा है? स्कूल ही बंद हो गए, अब नहीं पढ़ा। नहीं, अब तो खुल गए ना? खुलेगी तो जाएंगे अब राजस्थान होली पे, फिर पढ़ेंगे।